मोरे पिया मोरे पिया गए रंगून, उते से करो है टेलीफोन। तुम्हारी याद सता रही है मोरे पिया काय को पिया काय को खाओ, भूखे बैठे सवेरे से इतने में फालतू को हो कछुआ रहो का भैया। अरे राम राम, हमें बुंदेली चूली से नहीं रहे, खबर खोल ले फटाफट है। पहली तो कोरोना की है भैया, कोरोना में लगरिया लग गए बेचारे गोल मटोल, एक तो एकलौते SDM मिले थे हमें, बीवी गंगे ले बी उनके नाम में दो भी लगे, आज भी एक बीवी से परेशान है, बीवी डबल बीवी वाले हैं, लेकिन उन्हें बेचारे का कोरोना हो गो। ADM साहब के हो, एक डिप्टी कलेक्टर के हो, एक थाना प्रभारी सिविल लाइन के हो, ऐसे कई जा रही भैया। अब प्रशासन के ऊपर अटैक होगा और जो हो ही से रहो कहां से लापरवाही भैया यार, बहुत है खिलखिलो, इतना मचो है यार, बहुत लापरवाही है। अब व्यापारी ने आह्वान कर दो भैया तो आर के हैं तो ठीक है, सोमवार के पूर्व बाजार हमें बंद रखना है। सो विवेक उपल है बेहोचकल है कहते कहीं से मास्क लगाओ दुकान बंद करे से कहो, जबकि जबलपुर छिंदवाड़ा और कटनी में स्वेच्छा से एक हफ्ता के लाने आदमी ने बाजार बंद कर दो कि पहले जान है जहान है, लेकिन कछुजन है वही में टांग अड़ा रहे सब भैया। अब व्यापारी सहमत नहीं है बाजार बंद करेंगे तो कैसे बंद हो, कैसे चैन टूटे कोरोना की, बहुत बुरी स्थिति है। और जहाँ स्थिति बिगड़ते ही जाने, अब रुकने नहीं है थमने नहीं है, जो मान के चलियो। और जो स्थिति भैया इसे खराब है कहा से परेशान करने वाली स्थिति है, PNC कंपनी है रोड बना रही, चाचा चाचा की मिट्टी खोल ले रही, पहाड़ के पहाड़ चट कर गई। ऐसे PNC कंपनी में पहले 19 फिर 26 ऐसे 40-45 जन के कोरोना कड़े हो, और इतनी लापरवाही होते पे ना पुलिस लगाई गई ना बैरिकेडिंग अच्छे से, भाई आदमी आ जा रहा और रोज आदमी संक्रमित हो रहा। जो दृश्य देख रहे थे सब्जी वाले भाजी वाले सब आ जा रहे, देखो तो ना भैया आदान प्रदान हो रहा है। PNC वाले ने कछु दिन पहले एक दो इनके कर्मचारी हते संक्रमित, तो उनने होते अपने कहते बंद करके नजर बंद कर लो, प्रशासन की सूचना ही नहीं, उसके बाद फैलो रोग फैलो, वो 40-45 गाड़ी पहुंच गई और कितनी फैल जाए कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी कंपनी के खिलाफ प्रशासन का कार्रवाई कर रहा है, इस पर भी ध्यान दवाने की जरूरत है कि जी अगर कोरोना फैलावे को काम कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो चाहिए। दूसरी खबर आ रही भैया खजुराहो से, खजुराहो रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मियों ने आज हड़ताल कर दी, और हड़ताल ऐसे नहीं करी, नारे लगा के हमारी मांगे पूरी करो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी मिल जाएगा, सफाई यूनियन जिंदाबाद, ऐसे सब नारे लगे देख ला रहे भैया। इतना आज क्यों हड़ताल की यहाँ खजुराहो रेलवे, इसलिए हड़ताल करी, हम लोग की तनख्वाह नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? वो कह रहा है कि कहा इतनी में करना हो आपको तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। कितना कितने 5,000 पहले कितना मिलता? 5,000 देते शुरू से, पहले 5,000 और अभी 5,000, अभी 5,000 क्यों बरबाद है? अब हम लोग इसलिए हम लोग तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, तनख्वाह बढ़ाओ हमारी। तो पहले कितने तनख्वाह बता रहे कि 11,000 रुपये आती थी? पहले तनख्वाह 11,000 थी हम लोगों की, अकाउंट में आती थी, हम लोगों जब ATM किताब वापस कर दिया जाए तब तनख्वाह कम जाए। ATM किसके पास था? राम कुमार के पास। वो आपको सैलरी देता था? हाँ से देता था, खातों में नहीं आता? खाते में, अभी सैलरी अभी खाते में आती है। तो 5,000 आती है। ठेकेदार का नाम क्या है? दीपक। कहाँ के हैं? जी ललितपुर के हैं। ललितपुर के। तो आपकी क्या मांग है, कितनी चाहिए? हम लोग की मांग है, हम लोग तो 8,000 तनख्वाह दीजिए। 8,000 नहीं तो काम नहीं करोगे? नहीं, हम काम नहीं करेंगे। और धमकी भी दे रहे हैं हमको, क्या तनख्वाह ड्यूटी नहीं करोगी तो कल से ड्यूटी पे नहीं आना। कौन दे रहा धमकी? दीपक और राम कुमार दोनों। दीपक कहाँ के हैं? जे ललितपुर के। दोनों यहाँ हैं क्या? हाँ हैंगे। फोन से धमकी देते हैं कि सामने? सामने। और राम कुमार फोन पर धमकी देता। क्या कह रहे हैं? राम कुमार कह रहा था कल से तुम लोग काम अलग अलग ढूंढ लेना, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। आज से 2-3 दिन से क्या कारण है, क्यों है ये? कारण ये है, ये लोग बोल रहे हैं ऐसे पेमेंट बढ़ाई जाए हमारी, पेमेंट बढ़ाने की बात की है,
ठेकेदार से। उन लोगों का कहना है कि 5,000 रुपये में आजकल घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो आप पहले 11,000 रुपये देते थे, अब 5,000 रुपये आधा हो गए, उससे भी आधा हो गए, क्या कारण है? इसमें पुराना सुपरवाइजर था जो, अब वो तबीयत उसकी ख़राब है, वो आएगा वो बताएगा क्या बात है। जो हमें तो 2-3 दिन हुए हैं आने को, नए हैं हम, अब वो आ रहे हैं, जो आएगा सुपरवाइजर वो बात करेंगे हम उससे क्या है। ठेकेदार से भी हमने बात की है, इन लोगों की पेमेंट बढ़ाने की, पेमेंट बढ़ेगा इन लोगों का, उसने ये कहा है। और जो लड़के काम कर रहे हैं अभी, नए लड़के लगाने की भी बोला है उसने, नए लड़के लगाएंगे तो जो भी हैं, अब ये लोग बोलते हैं सुपरवाइजर से मतलब मारने की या लड़के मारने की धमकी देते हैं, हम जो लगाओगे आप तो उसको मारेंगे। इनको आप अभी तक कितना सैलरी देते थे? अभी तक तो उनको वो ही मिलती थी, लड़कों को 5,500 थे। अभी ठेकेदार ने कुछ बढ़ाने की बोली है? उसने कहा है 1,000 रुपये बढ़ाने की बोला गया। इन लोगों का कहना है कि कम से कम हमें 9-10,000 रुपये चाहिए, तो ये इसकी हम लोग बात करेंगे, जो भी है उसकी बात करेंगे, हम ठेकेदार से ही बात करेंगे, फिर इन लोगों को बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे। तो जे सफाई कर्मी है बड़े हैरान है, परेशान है कि भैया हमारी कुछ सुन ही नहीं हो, तो मजबूर होकर हमें हड़ताल करनी है। एक बड़ी खबर भी आ रही है कि भाजपा सांसद बीडी शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, उनके पिताजी को निधन हो गए, 90 साल के ऊपर कहते हुए, और पूरा जीवन जी के गए, कुछ दिन से अस्वस्थ थे, और बीती रात उनको देवलोक गमन हुआ। ये बीच राजनीतिक कल्याण से खबर आ रही, भैया गोविंद सिंह राजपूत नहीं है, सुर्खी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अनोखे प्रचार का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा सोशल मीडिया पे, और कार्यकर्ता का कमाल नहीं आया कि भैया ऐसा गजब को प्रचार करते यार, ऐसा गजब को कर रहे जब भाई गोविंद सिंह राजपूत है, कुछ दिन पहले इनकी जवान फसल गई थी, सो कांग्रेस ने भाजपा वाले कह रही थी कि राम में मुँह में राम बगल में छुरी, इनके लड़का का भी कोरोना होगा लेकिन पूरा घर दमखम से लगे भैया प्रचार कर रहे, और वे पारुल साहू नहीं है, वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस पहुंच गई डेढ़ टांग से। सो भैया आप देखा चुनौती दे दिया है क्षेत्र की जनता ने करी, आप जनता कह रही हमें तो कहो नहीं कही कि भैया तुम भाजपा से कांग्रेस चली जाओ, लेकिन जनता को नाम लगा के कांग्रेस में घुस गई, वो कह रही हमें टिकट दो, सो हम देख रहे गोविंद सिंह राजपूत के, अब संग्राम देखा तो भैया कैसे होने, एक बार तुमने हरा था गोविंद सिंह राजपूत के, अब कैसे रात कैसे भाजपा में भी जो, लेकिन प्रचार देख लो बड़ा मजेदार है भैया यार। ये है जे जो उनको चुनाव चिन्ह होगा, ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपने सब जने फूल में हो गए हैं, अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने हम तो तोरे आस के सदियन पुराने, हम तो तोरे आस के सदियन पुराने, चाहे ते माने चाहे ना माने, चाहे ते माने चाहे ना माने। भैया राम राम, जयराम जी की भैया, लेकिन सुन लो ई खबर के जो प्रायोजक है ना, वे हैं जैन छोले भटूरे रतन पैलेस वाले विक्की भैया, वो आज इतवार के आदि ने दाल बाटी खूब चपोर चपोर खाई, हमें भी बुला रहे थे भी, सो जय भी हम भी खाया अभी, और तुम्हारे भी तय कर ले भैया खाओ यार हफ्ता में एक दिन, अब मस्त स्वाद भैया, जय राम जी की। ग्रेट लेक्स ले आए हैं भैया एक ऐसी अनोखी सेवा कि मोबाइल से ऑर्डर करो घरे हर प्रकार को सामान पहुँच जाए, अनोखो ऐप और अनोखी ऐसी कंपनी जो घर आपके पूरा सामान पहुंचा दें, किराने को होटल को खाना पीना गिफ्ट आइटम से लेके हर प्रकार की सर्विस के लाने ग्रेटलेक्स की टीम तैयार है। आ जाइए पे जाके गूगल प्ले पे जाके ग्रेटलेक्स सर्च करो और ऑनलाइन शॉपिंग के लाने बिल्कुल इन्हें ऑर्डर करो, तुम्हारे घर पहुँचे सुरक्षित सामान। ग्रेटलेक्स ले आए हैं अनोखी सेवा, ग्रेटलेक्स।